वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। गाइस, आज की इस वीडियो में और आगे के चार पांच छः वीडियोस में मैं आपको क्लास नाइन्थ के जो प्रियोडिक टेस्ट हो रहे हैं अभी 2019 में फरवरी के महीने में और ये जनवरी के महीने में, ठीक है, उन्हीं के वीडियोस आपको आपके सामने लेकर आएंगा, क्वेश्चन पेपर और उनको सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ का, ये हिंदी का है, ठीक है, और पीरियोडिक टेस्ट थ्री जो कि 2018-19 में अभी हो रहे हैं, ठीक है, और जिसकी मार्क्स वेटेज होती है 80 मार्क्स की और टाइमिंग 3 घंटे की, और जो पेपर जो है वो पांच पेजेस में प्रिंटेड किया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे रेड बटन का बटन क्लिक करके, ठीक है, और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देख, आप देख पाएंगे कि सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है अपठित अंश यानी अपठित गद्यांश का, इंग्लिश में कहते हैं इसे अनसिम पैसेज, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या होता है, ये 8 नंबर का होता है, इसमें आपको ये जो पैसेज दिया हुआ है आपको इसको पढ़ना होता है और उसी के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये परिश्रम क्या है, ठीक है, तो परिश्रम क्या है, फिर सफलता क्या है, ये और ये, ठीक है, इन सभी में ये सारे क्वेश्चन जो है वो इस पैसेज से लिए गए, ये सभी आपको इसके आंसर देने हैं। तो पैसेज का आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि इसे आप जब पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। उसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका होता है लेकिन ये काव्यांश होता है, ठीक है, तो काव्यांश जो है वो यहाँ से दिया हुआ है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, यहाँ से ये लास्ट तक सच हम नहीं सच तुम नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, ये कि कवि कहता है, कवि के अनुसार सच क्या है, ठीक है, फिर दूसरा है कि चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है, और दूसरा कि कांटे और कलियां किसका प्रतीक हैं, और फिर है जो नत हुआ वह मृत जो व्रत से झार कर कुसुम में कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो इसमें अलंकार बताने हैं और इसका हमें संदेश क्या मिलता है 1 नंबर में ये बताना है, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ईजी हैं अगर आपको काव्यांश पढ़ना आता है और उसे समझना आता है तो, ठीक है। उसके बाद खंड है, इसमें आपका आता है ग्रामर यानी कि ग्रामेटिकल पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला है किन्हीं दो में उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए, ठीक है, उपसर्ग अलग करना है और मूल, तो ठीक है, तो उपसर्ग इसमें क्या है, अवधारणा में अब और प्रतिकूल में है त प्रति, ठीक है, और असंगत में है आ, ये हो गए क्या उपसर्ग। फिर इसमें किन्हीं दो से प्रत्यय मूल शब्द अलग कीजिए, तो धार्मिक में है इक और दयावान में है वान, गरीबी में है बी, ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसके आंसर भी आपको साथ साथ में बताता जाता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित में से कौन से 3 शब्दों का सामासिक विग्रह कर समाज का नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं 3 का सामासिक विग्रह कर समाज का नाम लिखना है, माता पिता, विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, माता पिता विद्या और आलय, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, और पंचवटी, ठीक है। तो इसमें आपको समाज के नाम लिखने हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए, नव वर्ष मंगलमय हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कल परीक्षा नहीं होगी, ठीक है, और वाह तुमने तो कमाल कर दिया, यदि हम तुम मेहनत करोगे तो वह सफल होगे। तो इसमें आपको अर्थ के आधार पर इसका वाक्य का प्रकार बताना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको अलंकारों के नाम लिखने, जैसे सजना है सजना के लिए, यहाँ पर सजना सजना 2 बार आ रहा है, यहाँ पर देखिए पुनरुक्ति भी है यमक भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है तनी तनुज तरवत तट तमाल बहु छाए, इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है। फिर है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, इसमें आपका मानवीकृत अलंकार है, ठीक है। ऊंचा होता जाता ताड़ का वृक्ष मानो आकाश को छूना चाहता है। फिर है मैया तो चंद खिलौना ले हो, फिर है सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि भाग्यचारी चोर। तो इसमें से 2-3 मैंने बता दिए हैं और 1-2 आपको खुद देखना होगा। उसके बाद आता है आपका ये खंड गए यानी ये आपका होता है बुक से, ठीक है, और इसमें आपको बुक से देखिए ये जो है ये पैसेज जो है वो आपकी किताब में दिया हुआ होता है, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे क्या है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए, बैलों को देखकर झूरी ने क्या किया, बैलों को देखकर गांव के लड़कों ने क्या किया। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी किताब से ही लिए गए हैं और ये पैसेज भी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें से आपको किन्हीं चार के आंसर देने हैं, ठीक है। पहला ये है, ठीक है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये है, ये तो पांच दिए हुए हैं, आपको कोई चार इसमें से करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको कविता दी हुई है, कविता के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए। कविता यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, और ये है कविता और कवि का नाम, फिर ये और ये सभी जो है वो पाँच नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मतलब ये तीनों मिला के पाँच नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर टेन, इसमें आपको क्या करना, किन्हीं चार प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए पाँच दिए हुए हैं, आपको किन्हीं चार के आंसर देने हैं, ठीक है। चाहे आप ये कीजिए, ये और ये, इसको छोड़ दीजिए, या फिर ये कीजिए, यानी कि आपकी कोई मर्जी है, पाँच में से कोई चार आपको इसमें से करने हैं। दो दो मार्क्स के ये सभी क्वेश्चन हैं। उसके बाद आता है पार्ट 11, यानी कि चैप्टर नंबर, पार्ट 11 नहीं है, क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें आपको ये यहाँ पर एक लाइन दे दी गई है, ठीक है, और उसी को आपको वर्णन करना है। ये आपके चैप्टर के चैप्टर से लिया गया, फिर है माटी वाली की रोटियों को इस प्रकार हिसाब लगाना, उसकी किस मजदूरी को प्रकट करता है। तो इसमें आपको जो माटी वाला चैप्टर है, ठीक है, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। फिर आपका आता है ये क्वेश्चन नंबर 12 है, दिख नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपको निबंध लिखना है किसी भी एक विषय पर, विद्यार्थी और अनुशासन, ठीक है। और फिर है घटते जन बढ़ते, बढ़ते जन घटते वन, ठीक है। उसके बाद समय का महत्व, समय का महत्व सभी बच्चों को आता होगा, तो आई थिंक सभी बच्चों ने इसी पर लिखा ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहल्ले की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, और बीड़ी सिगरेट की हानियाँ बताते हुए छोटे भाई को पत्र, एक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी को, और एक छोटे भाई को पत्र। उसके बाद है दुकानदार और ग्राहक के बीच संवाद लिखिए, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर क्या बताना है, एक तो ग्राहक के बीच संवाद और दुकानदार के बीच संवाद, और दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर क्या संवाद होता है वो बताना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन जो है पाँच पाँच नंबर के यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मोस्टली जो आंसर से मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई और एक्साइटिंग वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको किसी का साइंस का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एंड दिस टाइम आई एम जस्ट स्मार्ट नॉलेज साइनिंग ऑफ।